हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में आपको सेकेंड हैंड बाइक का कलेक्शन दिखाने वाले हैं। डीलरशिप की बात किया जाए तो अभी आप ऊपर देख सकते हो, हम लोग पहुंच गए व्हीलर डीलर। व्हीलर डीलर में बात किया जाए तो यहाँ पे गाड़ियों का कलेक्शन एक बार भाई देख सकते हो, भाई क्या कलेक्शन होने वाला है आपको दिखाते हैं। इधर से आपको पाची का देख सकते हो, आपको मिल जाता है RR 310। और भाई इधर एक देखो BMW की बाइक, मतलब भाई कतई जहर वाला लग रहा है। इधर आपका KTM हो जाएगा, KTM इधर भी है, R15 वगैरह है। फिर ये आपका हो जाता है पल्सर का। फिर इधर एक R15 है, एवेंजर वगैरह है, एक्सपल्स है। और रहा बात इधर जावा भी आपको मिल जाता है, रॉयल इनफील्ड वगैरह होगा। मतलब सारा ये सारा कलेक्शन हम लोग आज देखने वाले हैं इसी वीडियो पे, तो देख रहे हो। बाकी इधर बात किया जाए तो ये सारा देख सकते हो। इधर ड्यूक है आपका, वहाँ पर आपको MT दिख रहा होगा, तो वो MT भी है। तो ये सारा हम लोग आज डिटेल्स लेने वाले हैं, बुलाएंगे यहाँ पे आलोक भैया को जो सारी गाड़ियों की डिटेल्स देने वाले हैं। बाकी करते वीडियो को स्टार्ट। चैनल पे नहीं आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं ब्लॉक्सिफाई मुकेश। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ हमारे अंदाज में। तो आलोक भैया से, आलोक भैया कैसे हैं? ठीक है, आप बताइए। बढ़िया चल रहा है एकदम? बढ़िया, सब ठीक ठाक है, आप बताइए। बहुत बढ़िया चल रहा है। आप कोकर चौहान एड्रेस सबसे पहले समझा दे रहे हैं, कोकर बगल में व्हीलर डीलर है सब। तो देख सकते हो आप एड्रेस वगैरह, बाकी हम लोग लोकेशन गूगल मैप का भी दे देंगे, तो वो भी आप देख लीजिएगा। बाकी आप बताइएगा आज मिनिमम प्राइस हम लोग कौन सा देखेंगे। मिनिमम प्राइस में आपको एवेंजर मिल जाएगा। एवेंजर क्या प्राइस होने वाला उसका? 40,000 पड़ेगा। 40,000? तो भाई देख सकते हो, मतलब 46,000 से आज हम लोग स्टार्टिंग देखने वाले हैं। बाकी भाई लंबा इधर देख सकते हो, बहुत स्पोर्ट्स बाइक का जो कलेक्शन होता है ना, ये सब कुछ आपको भरपूर मिलने वाला है। तो चलिए भैया बिना किसी देरी के डिटेल्स लेते हैं, बाकी फाइनेंस नाम ट्रांसफर लास्ट में बात करेंगे हम लोग। चलिए तो जैसे कि देख सकते हो ये हमें मिलता है एक रॉयल एनफील्ड का। ये कौन सा मॉडल हो जाएगा? ये 2020 का मॉडल है, रॉयल एनफील्ड का 2020 का मॉडल है, जैसे कि देख सकते हो। बाकी कंडीशन भाई काफ़ी सही लग रहा है, 2020 का है तो आप समझ सकते हो काफ़ी सही है। बाकी क्लासिक 350 होगा ना भैया? ABS मॉडल है। बाकी देखो नंबर प्लेट आपको ये रांची नंबर प्लेट में मिल जाता है। किलोमीटर क्या चला होगा? तो देख सकते हो ये किलोमीटर मीटर आपको 23,000 किलोमीटर लगभग चला हुआ है। तो 23,000 किलोमीटर चला हुआ है, फर्स्ट ओनर में होगा, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। प्राइस क्या हो जाएगा? 1,46,000 पड़ेगा। 1,46,000, बाकी कुछ नेगोशिएबल वो आने के बाद हो जाएगा, आपको थ्रू आएगा तो और कम हो जाएगा। अच्छा ठीक है। बाकी टायर की कंडीशन देख सकते हो इधर आप भाई, देख लो अभी भी ऑलमोस्ट 80% टायर तो बचा ही होगा। बाकी इधर आपको बात करते हैं, ये कौन सा हो जाएगा भैया? ये जावा 2020 का मॉडल है। अभी 2020 का मॉडल का जावा देख सकते हो, ग्रीन कलर में आपको मिल रहा है। नंबर प्लेट भी आपको रांची में है। टायर की कंडीशन कुछ इस तरह से, फर्स्ट ओनर होगा ना ये भी? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। क्या प्राइस हो जाएगा? 1,28,000 पड़ेगा। 1,28,000, उसमें भी कुछ नेगोशिएबल हो जाता है। बाकी इधर हमें मिलता है एक्सपल्स का, ये कौन सा मॉडल होगा? ये 2021 का मॉडल, BS6 मॉडल है। 2021 का BS6 मॉडल एक्सपल्स 200, जैसे कि देख सकते हो इधर आप। अब बाकी कंडीशन की बात करें तो काफ़ी सही है गाड़ी का। नंबर प्लेट की बात किया जाए तो ये आप जैसे देख सकते हो रांची नंबर प्लेट 01। टायर की कंडीशन की बात करें तो भाई 90-95% दिख रहा है आपको। देखो ये भी ग्रिप भी आपको बचा हुआ है, तो सारा कुछ सही है। प्राइस क्या हो जाएगा इसका? 96,000 पड़ेगा। 96,000 प्राइस आपका ये देख लीजिए। बाकी भाई कंडीशन काफ़ी सही लग रहा है। मॉडल कितना बताया था? 2021 का मॉडल है तो देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमें मिलता है एवेंजर जो सबसे कम प्राइस में होने वाला है। नंबर प्लेट आपका रांची का हो जाएगा। कौन सा मॉडल होगा भैया? ये 2016 का मॉडल है। 2016 की मॉडल है तो देख सकते हो, ये टायर की कंडीशन कुछ इस तरह से है। क्या किलोमीटर चला होगा? वही 22,000 चला होगा। 22,000 किलोमीटर चल गया है। प्राइस क्या हो जाएगा इसका? 46,000 में आपको मिल जाता है, ये देख लीजिएगा। उसमें भी कुछ नेगोशिएबल हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। बाकी इधर हमें मिलता है एक R15। R15 का कौन सा होगा? 2016 की मॉडल है। 2016 की R15 है, वर्जन 2। हल्का फुल्का आपको स्क्रैचेस दिख रहा है, तो देख सेकेंड हैंड में तो आपको रहेगा ही रहेगा। बाकी किलोमीटर की बात करें तो क्या है? ये चला हुआ 25,000 किलोमीटर। 25,000 किलोमीटर लगभग चला हुआ है। टायर की कंडीशन देख सकते हो कुछ इस तरह से। क्या प्राइस हो जाएगा इसका? 64,000 पड़ेगा। 64,000 में आपको R15 का वर्जन 2 मिलता है, तो देख लीजिए। इधर हमें मिलता है एक पल्सर का 220। ये कौन सा मॉडल है? ये 2019 का मॉडल है। 2019 का, हाँ। किलोमीटर? किलोमीटर वही 10,000 चला हुआ है। 10,000 लगभग किलोमीटर चला हुआ है, मात्र 10,000?
तो देख लीजिए मात्र 10,000 किलोमीटर चला हुआ है। नंबर प्लेट की बात किया जाए तो ये रांची नंबर प्लेट में टायर की कंडीशन देख लीजिए 90% बचा होगा अभी भी। प्राइस क्या हो जाएगा इसका? 86 पड़ेगा। 86,000 देख सकते हो। 86,000 में आपको पल्सर का 220 2019 का मॉडल है, 10,000 किलोमीटर मात्र चला हुआ है। बाकी इधर हमें मिलता है एक R15 का वर्जन 3। ये कौन सा मॉडल है? 2018 आखिरी का होगा। 2018 मतलब आप 19 का मान सकते हो। नंबर प्लेट ही आपको जमशेदपुर हो जाएगा ना, जमशेदपुर नंबर प्लेट में। टायर देख लीजिए कुछ इस तरह से। बाकी गाड़ी की कंडीशन काफ़ी सही है, आप देख ही रहे हो। क्या प्राइस हो जाएगा इसका? इसका 1,12,000 मात्र। 1,12,000 में आपको मिलने वाला है, तो भाई देख लो काफ़ी तबाही में। इधर हमें मिलता है एक KTM। ये कौन सा मॉडल है? 390। KTM का 390 मॉडल 2016 का मॉडल है। जैसे कि देख सकते हो कंडीशन काफ़ी सही है। ये भी क्या किलोमीटर चला हुआ? ये चला हुआ ये ओनली 10,000 किलोमीटर चला हुआ। 10,000 भाई देख लो, ये भी आपको 10,000 किलोमीटर चला हुआ है। नंबर प्लेट आपका ये होगा जमशेदपुर। बाकी टायर के कंडीशन आप देख लीजिए कुछ इस तरह से। प्राइस क्या हो जाएगा इसका? इसका ओनली 1,22,000 पड़ेगा। 1,22,000 अभी न्यू में जाए तो क्या प्राइस होने वाला इसका? वही 3.5-4 लाख होगा। अभी 3.5-4 लाख का गाड़ी आपको मिल रहा है 1,22,000 में। तो भाई देख लो काफ़ी अच्छा डील होने वाला है आपके लिए। इधर हमें और एक मिलता है KTM का। ये कौन सा हो जाएगा? 200 RC। KTM का RC 200। देखिए काफ़ी डिमांडेड बाइक है भैया। क्या इसका किलोमीटर होगा? ये चला हुआ 31,000 ओरिजिनल चला हुआ है। ओरिजिनल 21,000 किलोमीटर चला हुआ है। बाकी पीछे की टायर की बात करें तो आप देख लीजिए भाई काफ़ी सही है पीछे का टायर भी। गाड़ी की कंडीशन ओवरऑल सारा कुछ सही है। हल्का फुल्का आपको डस्ट दिख रहा है लेकिन वो सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर प्लेट की बात किया जाए तो ये रांची नंबर प्लेट में BS4 है। क्या प्राइस हो जाएगा? 1,28,000। 1,28,000 ये भी देख लीजिए काफ़ी अच्छा डील होना है। किलोमीटर 26,000 31,000 ये किलोमीटर चला हुआ है तो देख लीजिएगा ठीक है। इसका बताइएगा भैया BMW का ये बाइक देख सकते हो काफ़ी यूनिक बाइक आ रहा है। ये नया आया अभी तुरंत आया। अच्छा अभी तुरंत आया, मतलब क्या डिटेल वगैरह सारा बताइए। ये 2022 का मॉडल है। ये चला हुआ ओनली सिर्फ 700 किलोमीटर, 700 कुछ चला हुआ है। 700 ओनली। दिखा मीटर दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं। देखिए मीटर आपको दिखाते हैं। 2022 का मॉडल है तो मतलब आप टायर का कंडीशन ही देख लो ना भाई, 95% दिख रहा है आपको। ग्रिप वगैरह सारा कुछ दिखेगा देख लीजिए। और भाई कंडीशन की देख सकते हो। नंबर प्लेट रांची का हो जाएगा, मतलब गाड़ी आपको रांची का ही है। BMW की ब्रांड की है तो देख सकते हो भाई। और काफ़ी हाइट है इस गाड़ी का, मतलब छोटे हाइट वाले ना खरीदे वगैरह देख सकते हो। अभी आपको मीटर दिखाते हैं। देख सकते हो मीटर में आपको 774 किलोमीटर चला हुआ है दिख रहा है आपको। तो ये अभी अभी जस्ट आया है ये बाइक, और 700 किलोमीटर चला हुआ है। BMW की 2022 की मॉडल है ना। प्राइस क्या हो जाएगा इसका? इसका 272 पड़ेगा। 2,72,000 में आपको मिलने वाला। नए में क्या प्राइस होता होगा? 3.5-4 लगभग मानने चले, मतलब 3.5-4 लाख का गाड़ी आपको 2,72,000 में मिल रहा है तो काफ़ी सही है। देख सकते हो 2022 का ही मॉडल है। बाकी इधर हमें मिलता है अपाची का RR 310। बताइएगा भैया इसका डिटेल्स। 2021 का मॉडल है। 2021 का ठीक है। किलोमीटर 10,000 चला हुआ है। मात्र 10,000 देख लो भाई, ये भी आपको मात्र 10,000 किलोमीटर चला हुआ है। और भाई कंडीशन देखो गाड़ी का काफ़ी सही लग रहा है। मॉडल कौन सा हो जाएगा? 2021 का है। नंबर प्लेट की बात करें जी, धनबाद नंबर प्लेट में। टायर की कंडीशन देख लीजिए कुछ इस तरह से। क्या प्राइस होने वाला है इसका? इसका 188 पड़ेगा। 188 188,000 देख लो, उसमें भी कुछ नेगोशिएबल हो जाएगा। बाकी इधर हम लोग आते हैं, ये कौन सा बाइक हो जाएगा? हीरो का एक्सट्रीम 200 है। एक्सट्रीम 200R देख लीजिए मॉडल 2019 का मॉडल है। किलोमीटर की बात करें तो 26,000 चला हुआ है। 26,000 किलोमीटर चला हुआ है। बाकी देख लीजिए टायर का कंडीशन कुछ इस तरह से है। नंबर प्लेट की बात करें, ये क्या ग्रीडी नंबर का है। ग्रीडी नंबर का होगा। बाकी इधर का देख सकते हो कुछ इस तरह से। प्राइस क्या होने वाला है इसका? 68,000 ओनली। 68,000 में आपको मिल रहा है तो देख सकते हो एक्सट्रीम, उसमें भी कुछ नेगोशिएबल हो जाएगा। देख लीजिएगा पीछे का टायर कुछ इस तरह से देख लीजिए। इधर हमें मिलता है KTM ड्यूक। ये कौन सा हो जाएगा? 125 है। 125 ये KTM 2020 का मॉडल है। 2020 का मॉडल है देख लो भाई, 2020 का मॉडल होने वाला है। किलोमीटर क्या हो जाएगा? 17,000 चला हुआ है। मात्र 17,000 किलोमीटर चला हुआ है। टायर का कंडीशन देख लो, आगे का टायर कुछ इस तरह से। नंबर प्लेट की बात करें तो पीछे का आप देख सकते हो, नंबर प्लेट आपको बोकारो नंबर प्लेट हो जाएगा। पीछे का टायर कुछ इस तरह से देख लीजिए। क्या प्राइस होने वाला है इसका? 1,22,000 पड़ेगा। 1,22,000 में अच्छा डील मिल रहा है आपको तो देख लीजिए।
बाकी इधर हमें मिलता है एक MT, काफी डिमांडेड बाइक है भैया, बहुत डिमांड है गाड़ी, मिलता नहीं है जल्दी ऐसे भी, बहुत कम ही दिखने को आपको मिलता है। बताइएगा ये कौन सा होगा? ये 2020 का मॉडल है, 142,000 पड़ेगा इसका। 2020 का मॉडल है, 142,000 प्राइस है। किलोमीटर क्या हो जाएगा? 18,000 चला हुआ है, 18,000 किलोमीटर चला हुआ है। बाकी देख सकते हो टायर का कंडीशन अभी भी ऑलमोस्ट 90% बचा होगा। नंबर प्लेट आपका बोकारो नंबर प्लेट पे हो जाएगा, तो देख लीजिए ये भी काफ़ी सही लग रहा है कंडीशन। फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से देख लीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू आ रहा है चैनल को भी सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिखता है उसे भी प्रेस करना। जितने भी गाड़ी कलेक्शन दिखाया है सब देख लो भाई, यही कुछ कलेक्शन है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपका मन करे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बाकी जिनके नए भाइयों को भी अगर बाइक लेना है, अच्छे अच्छे बाइक लेना है स्पोर्ट्स बाइक, तो आप यहाँ आओ व्हीलर डीलर कोकर चौक से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आपको मिल जाएगा। तो रखते वीडियो को आज का यहीं पर, बाकी मिलेंगे फिर किसी एक न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, कीप लविंग।